भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। सिद्ध लक्ष्मी साधना, सिद्ध लक्ष्मी साधना साधक इसलिए करते हैं क्योंकि जाप मात्र से पूरी साधना का लाभ मिलता है। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को बताया था कि लक्ष्मी जी को अपने घर में कैसे स्थापित करते हैं, माँ भगवती का कलश कैसे स्थापित करते हैं, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी में क्या अंतर है। जब शुरुआत में एक ऐसी शक्ति के बारे में समझ में आया या जिसके बारे में बताया गया जो कि हर चीज़ में समृद्धि देती है, तो उस शक्ति को श्री के नाम से जाना गया। श्री समृद्धि देने वाली शक्ति को बोला गया। पारिवारिक समृद्धि हो, व्यापारिक समृद्धि हो, मानसिक समृद्धि हो, जैसी भी समृद्धि है, अगर समृद्धि है तो उसको श्री बोला गया, उस शक्ति का नाम श्री पड़ा। कालांतर में उसी का एक प्रारूप बनाया गया जिसको हम अब लक्ष्मी बोलते हैं। लक्ष्मी सिर्फ धन के साथ जोड़ के देखा जाता है लक्ष्मी को, लेकिन सत्य यह है कि लक्ष्मी अगर आपके पास नहीं है तो धर्म का भी नाश होता है, अर्थ का भी नाश होता है, काम का भी नाश होता है और मोक्ष का भी नाश होता है। लक्ष्मी सिर्फ धन में वृद्धि नहीं देती है, अर्थ तो लक्ष्मी का एक स्वभाव है, धर्म में भी वृद्धि चाहिए तो लक्ष्मी होनी चाहिए आपके पास। अर्थ में तो लक्ष्मी है ही, ऐसे ही उनको प्रसिद्ध किया गया है। काम में भी अगर आपको वृद्धि चाहिए तो वो भी लक्ष्मी से होगा, और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो भी लक्ष्मी से होगा। तो श्री कालांतर में लक्ष्मी कहलाएंगे। तंत्र में न श्री है न लक्ष्मी है, 10 महाविद्या में इनको कमला का संज्ञा दिया गया और कमला को धनदा के रूप में जाना जाता है। धन देने वाली देवी और धनदा में क्या अंतर है? धनदा मतलब जो मार्ग प्रशस्त करे उसको धनदा बोलते हैं, ठीक है, धन का जो मार्ग प्रशस्त करे। अब आते हैं अलक्ष्मी पर। अलक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी का वास ना हो वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। किसी भी स्थान पर चाहे तो लक्ष्मी रहेगी या अलक्ष्मी रहेगी। अलक्ष्मी को दरिद्रता भी बोला जाता है, दरिद्रता धन में, धर्म में, काम में या मोक्ष में। 10 महाविद्या में जहाँ कमला वास नहीं करती है वहाँ धूमावती वास करती है। ये अभी सिर्फ बता रहा हूँ, इसका व्याख्यान मैं कभी और दूंगा। तो जब आप लक्ष्मी की साधना करते हैं तो वहां से अलक्ष्मी को पहले हटाना होता है। अगर आपको अलक्ष्मी को हटाने का विद्या नहीं आता है, क्योंकि वो गुरु परिवारों से आता है, तो फिर सिद्ध लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। मैं अभी आपको सिद्ध लक्ष्मी का 2 मंत्र दूंगा। जो पहला मंत्र है वो आपको धर्म में भी बढ़ोतरी देगा, अर्थ में भी बढ़ोतरी देगा, काम में भी बढ़ोतरी देगा और मोक्ष में भी बढ़ोतरी देगा, हर तरह से आपको बढ़ोतरी देगा। जो दूसरा मंत्र है वो व्यापार के लिए है, उसमें एक बीज ज़्यादा आता है और उस मंत्र को करने से व्यापार में वृद्धि होती है। इसके लिए आपको करना क्या है?
अगर आपने घट स्थापित कर लिया है भगवती का, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तब तो बहुत बढ़िया है, उसी के सामने बैठ करके और जो पंच पूजा है उसको करने के बाद इसका एक माला का जाप किया जाता है, दोनों मंत्रों का, ठीक है। ये पूजा बिल्कुल सूर्योदय के समय होती है, दिन भर में इसको करने का समय सिर्फ सूर्योदय के समय है। और इसका तरीका ये है कि सब कार्यों से निवृत्त होने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, सूर्य को देखना होता है थोड़ी देर के लिए, और जब आप सूर्य को लगातार देखेंगे तो उसके किरणों का रंग बदलता है, वो एक विशेष रंग का हो जाता है, वो आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो वो आपको समझ में आएगा। जैसे सूर्य के किरणों का रंग आपके सामने बदलने लगे, आप इस साधना को कर सकते हैं, वो एक साइन होता है। तो तुरंत आप उतर जाइए और इस साधना को करिए। जिसके पास घट नहीं है या महालक्ष्मी का यंत्र नहीं है, जो यंत्र मैंने पहले बताया था सोने के पत्तल पे बनाने का, वो नहीं है, तो फिर वो एक पान के पत्ते पे भगवती का आह्वान करेगा रोज़, और रोज़ उसका विसर्जन करेगा, ठीक है। मंत्र सुनो, जो पहला मंत्र है ये मंत्र है सर्ववृद्धि के लिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। फिर से सुनो, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। देखो, लक्ष्मी का जो मंत्र होता है उसको समझने के लिए कि मंत्र सही है कि नहीं, ये हमेशा ध्यान देना कि बीज के अलावा श्री नाम भगवती का उस मंत्र में होना जरूरी है। व्यापार वृद्धि के लिए जो मंत्र है उसमें एक बीज ज़्यादा लगता है और मंत्र हो जाता है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। फिर से सुनो, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ठीक है। इसके अलावा भी भगवती के अन्य अन्य रूपों का अलग अलग मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो सीधा मंत्र है और दूसरा इसका जाप से ही फल मिलता है। अशक्ति अगर घर में लगता है कि ज़्यादा है, तो एक मंत्र है ओम नमो महासाबरी शक्ति मम अरिष्टम निवार्य निवार्य मम दरिद्र दूर का सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से जो दारिद्र है घर में वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग तभी करें जब ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा दारिद्र का प्रादुर्भाव आपके घर में इफ़ेक्ट है, नहीं तो सिर्फ जो मैंने मंत्र बताया है उसको करने से हर तरीके से आप आर्थिक रूप से धार्मिक रूप से सफल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती देवी लक्ष्मी की जो साधना है वो एक वीडियो में या एक मंत्र से उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। लक्ष्मी वो शक्ति है जो कि शुरू से है, मतलब जब बीज अक्षर बनने शुरू हुए तब से लक्ष्मी है, और एक एक बाकी शक्तियों को तो आने में समय लगा। लक्ष्मी सरस्वती और आद्य ऐसा स्वरूप है जो शुरू से है, तो इनको पूर्ण रूप से समझना और फिर इनकी सेवा करने से हर तरीके का सुख मिल सकता है। मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों पे भगवती की कृपा रहे। तत्काल मैं बताना चाहूँगा कि जो बेसिक साधना ग्रुप है वो अब अगले महीने आप लोग जुड़ सकते हैं उससे। अभी से एनरोल होइएगा तो अगले महीने के ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए अघोर तंत्र डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए।
उसमें रुद्रनाथ एट CM4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। माँ लक्ष्मी आप लोगों पे कृपा बरसाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।